मेरे कर्मचारी हेल्थ से ले जाओ, जो हराम की खा रहे हैं, चोर लुचक के ये खा रहे हैं हराम की, इनको ले जाओ, मेरा सफाई कर्मचारी कोई नहीं जाएगा। ये मैं खुला विरोध कर रहा हूँ। नहीं हेल्थ जाए, जाकर खाते हैं, हराम का खाते हैं, क्या हो गया जा रहे हैं? तो मेरा निगम का सफाई कर्मचारी एक नहीं जाएगा, बस पुलिस बुला लो, मिलिट्री बुला लो, मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। बीमारी तो हमारे लिए भी है, हमारे हमारा कर्मचारी सुबह 6 बजे रोड में काम कर रहा है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। कितने राउंड लिए? मैं सुबह से तिल्लोपुरी तक के राउंड लेकर आया हूँ। गल्स नहीं है, मास्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये DHO सारे ब्लैक कर रहे हैं, 10-10 हजार 1-1 लाख कांस ला रहे हैं। फुल मास्क, फुल ड्रेस, सभी कहाँ है? किसके पास कितने मास्क पड़ रहे हैं? चलो वार्डो में तिल्लोपुरी, दल्लूपुरा, मंडावली, सब जगह धक्के खा कर आ रहा हूँ, कहीं एक गल्स नहीं है। मेरा निगम का एक भी कर्मचारी नहीं जाएगा, सफाई कर्मचारी खासतौर से। ये जो बेलदार बना रखे हैं, जो भाई आते हैं बिल्डिंग से, जो हेल्थ वाले बना रखे हैं, रेहड़ी पटरी वाले से, राधा कृष्ण से छोले भटूरे खाते हैं, पैसे महीना खाते हैं, वो जाएंगे, मेरा सफाई कर्मचारी कोई नहीं जाएगा। मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डीसी साहब से भी कह दो, हम मैं निकलने भी नहीं दूंगा किसी को भी। जो काम हो तो करी रहा कर्मचारी, निकलता दुनिया कूड़ा भर रही है ना, तो गल से उसके पास कूड़ा भी भर रहा है, डस्टबिन भर रहा है, मैंने सिरिंज उठा के देखा है। राधे कृष्ण वाले कुलदीप कह रहा है कि मुझे हेल्थ वालों ने दे रखी परमिशन, बंद वाले दिन खुल के बेकरा खुल के, बस हमने राउंड करा सरप्राइज लो, खुल के बेकरा खुल के कह रहे हैं, हेल्थ वालों का नाम ले रहा हूँ खुल के। राधे कृष्ण वाला कोई नहीं जाएगा, खास तौर से निगम का सफाई कर्मचारी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। रिक्वेस्ट है डीसी साहब आ जाओ, कमिश्नर आ जाओ, मिलिट्री आ जाओ, फौज आ जाओ, जो एक्शन करना है कर लो, मैं नहीं जाने दूंगा किसी को भी। इतनी गल्फ साहब कितने आए हैं, ये तो साहब मुझे बार बार कहते हैं, मैं वर्कर भेजता हूँ, सैनिटरी आ रहा है वो पूछने वाला भी, एक भी नहीं मिला, एक भी किसी कर्मचारी को नहीं मिला, एक भी। हम सुबह 6 बजे से धक्के खा रहे हैं, एक अफसर राउंड पे नहीं है भाई, पर तुम्हें उपकरण मिल रहे हैं, मास्क है नहीं है, ग्लव्स है नहीं है ना, फांसी दे दो भी नहीं, इस समाज को फांसी दे दो, नहीं दलित समाज है ना, इसको फांसी दे दो। ये बनुवादी लोगों को जीतने का, बनिए बामनों को जीने का अधिकार है, दलितों का जीने का अधिकार है ही नहीं भारत में। साहब निगम बहुत घाट पे डैशबोर्ड आई, पता क्या क्या पंडित ने कह रहा, सारे बाहर जाओ, सारे बाहर जाओ, सिर्फ 2 बंदे रुको, सिर्फ 2 बंदे, डेथ बॉडी जलने नहीं थी, CNG में डिस्पोज कराइए, जलने नहीं थी, मतलब उनको बीमारी लग जाएगी, मेरे परिवार को लगेगी, जो मेरे माँ बहन काम कर रही है, या मेरे भैया काम कर रहे हैं जो सफाई का, अरे उनसे कहीं नाली मोरी में तुमने डाल रखा है, उससे तो हटाओ तुम। यूपी के अंदर देखो कितने बड़े गर्ल्स, तुमने दिखाना एक मिनट, ये उत्तर प्रदेश की गर्ल्स है, इसको बोलते हैं गर्ल्स, ये रे ये यूपी के, ये रे देखो लास्ट ईयर कितनी बढ़िया लग रही है ये रे, और हमारे वालों ने दे रखे हैं, यहाँ पहनो और यहाँ निकाल लो, ये रे इसको उल्टा प्रदेश कहते हैं। साहब मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा कोई भी कर्मचारी नहीं जाएगा कोरोना के मामले में, सफाई करवाओ, जितनी करवानी करवाओ, वो भी सिर्फ अपने वार्डो में। मैं आज लेटर भी लगा रहा हूँ, मंडोली जेल में जो भेजा जा रहा है हमारे कर्मचारियों को, वहां से मैं रिवोक कराऊंगा, अगर ऐसी स्थिति है भर्ती करो, नहीं मैंने कहा है साहब जी मंडल जेल में जा रहे हैं, 9 से भेजे कर्मचारी, अगर वहां कोई संक्रमण बीमारी हो जाती है उसकी ठेकेदारी कौन लेगा? एक मुखिया बता दे, डी साहब बता दे, आप बता दे, कोई तो बता दे, अगर उसके परिवार को कुछ हो गया तो क्या करेगा? उसका तो परिवार है, बीमारी को जात पूछ के थोड़ी आएगी। हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। द विवरण चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, हाथों को लगातार साबुन से धोते रहें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। इफ यू लाइक अवर वीडियो, कमेंट ऑन वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल द विवरण, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग अपडेट्स।